कहीं नहीं जा रहा। ओ, ओ। सांस फूल रही है। आगे देख। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 12 बजे के बाद से शुरू। सुबह से हम अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अभी जाके फ्री हुए हैं, तो अब हम चल पड़े हैं खेत की तरफ। तो मैंने सोचा व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ और खेत भी चलते हैं। जहाँ पे कथा थी वहाँ से हम पिछले कल वापस आ गए थे, और मैंने पिछले कल वाला व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हम रात को दत्तनगर तक आए थे। वहाँ से दीदी के घर से मैं कल घर वापस आ गई हूँ। कल मेरा मन नहीं किया व्लॉग शूट करने का, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन आज मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू करते हैं, तो अब चलते हैं खेत की तरफ। और ना मैं अपने साथ अपना ट्राईपॉड भी ले जा रही हूँ, अगर कुछ लगा मुझे उठा ही जा रहा। ओ ओ चलो फिलहाल के लिए मैं उठ गई हूँ और चलते हैं अब। और साथ में पिछले कल मेरे साथ घर आई है आन्या, ये है कुसुम दीदी की बेटी, तो इसको भी मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। तो यहाँ पे आगे चले हैं मम्मी, आन्या और भाभी, ये है गीतू लवली के मामा, तो ये मेरे भाभी रखते हैं। और चल पड़े हम सारे खेत के लिए। तो अभी हम लोग पहुँच गए खेत में, और यहाँ पे अभी छिट्टे उठाने को है बहुत सारे। इधर भी छिट्टे उठाने को है, इधर भी छिट्टे उठाने को है। आने आज काम करेगी भाई, करेगी आने आज हमारे साथ काम करेगी। हम लोग पहुंच तो गए हैं खेत में, अभी हमें बहुत सारा काम है यहाँ पे। तो अभी हमें बहुत सारे छिट्टे उठाने को है यहाँ पे भी, तो कुछ देर तो हम यहीं रहेंगे, छिट्टे उठाएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो अभी हम लकड़ी इकट्ठे करने लग गए हैं। मम्मी ऊपर वाले खेत में कर रहे हैं, मैं नीचे वाले खेत में कर रही हूँ, और अब थोड़े से रहते हैं आगे तक। आज यहाँ पे देखते हैं कितनी देर तक होता है, अगर क्लोज होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कल करेंगे। तो लग जाते हैं अपने काम पे। यहाँ पे हम अपने अपने काम में लग गए थे, मम्मी ऊपर वाले खेत में काम कर रहे थे, मैं नीचे वाले खेत में काम कर रही। और यहाँ देखो भाई चूहे के मजे, एक ढेरी यहाँ लगाई है, एक ढेरी यहाँ लगाई है, एक ढेरी यहाँ लगाई है, ये चूहे के काम है सारे। और ऊपर वाले खेत की सारी मिट्टी नीचे। अभी ना हम लोग पता कहाँ से छिट्टे इकट्ठे करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी उधर से जाके हम पहुँचने वाले हैं एंड में। अभी यहाँ ये वाला खेत है, इससे नीचे एक खेत है, ये दो रहते हैं छोटे छोटे खेत, अदरवाइज इससे परे अभी दिख भी नहीं रहा है, वहाँ से साफ करते करते आ गए हैं। मम्मी भी लगी अपने काम में, मैं भी लगी अपने काम में। और मम्मी के पास जो अभी तक ये था ना, ये वाला अंशु बोलते इसको, जो भी बोलते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ आ रही हैं। जो मेरे पास था वो छोटा है, उसमें ज़्यादा नहीं आ रही थी, ये काफ़ी अच्छे से साफ कर रहा है। ये देखो इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं सारे, छोटी से छोटी लकड़ी भी इसमें फंस जाती है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे। तो मैं एक बोरी थी मम्मी को, मेरे पास अब ये दे दो, फिर मैं अब इससे इकट्ठे कर रही हूँ। कुछ काम पहाड़ों में ऐसे होते हैं जो काफ़ी रिलैक्सिंग होते हैं, जैसे ये वाला काम, इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, जोर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी पीसफुल सा काम है और इसको करके काफ़ी अच्छा फील होता है। और फिर जैसे ही मम्मी ऊपर वाले खेत से निपट गए थे, फिर मम्मी भी मेरे साथ आ गए नीचे वाले खेत के लिए। और पहले तो जब ये औजार होते नहीं थे उस टाइम सारे मैनुअली हाथ से एक एक लकड़ी उठाते थे। तो अभी ना टाइम हो रहा है दिन के 2:30 बज गए हैं, और अब मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि गाय को घास तभी का डाला है जब हम लोग खेत आ गए, तब से काफ़ी टाइम हो गया गाय को पानी घास देना होता है। तो अब मैं घर जाऊंगी, मम्मी थोड़े से रहते हैं, मम्मी खुद अकेले में वो कर लेंगे। जब हम शुरू किया था, हमने यहाँ से शुरू किया था, वहाँ से लेके आगे चले गए हम काफ़ी आगे, आगे अब दिख भी नहीं रहा है वहाँ तक। इससे ऊपर वाला खेत भी किया है, और आगे को भी इससे ऊपर भी है, इससे ऊपर भी है, तो काफ़ी आगे पहुँच गए थे हम साफ़ करते हुए। यहाँ से मुझे ले जाना है अपना किल्टा और मम्मी का किल्टा, और दराट भी है यहाँ पे, ये भी ले जाना है, ये दराट है, ये भी ले जाना है, और ये भी ले जाना पड़ेगा। अब सिर्फ इतना सा रहता है ये वाला खेत और ये वाला खेत, बस इतना सा रहता है, फिर यहाँ से फ्री। तो अब मैं चल पड़ी हूँ यहाँ से घर, और मम्मी थोड़ा सा काम रहता है उसको निपटा के आएंगे, तो वो आने आई थी साथ में, वो पता नहीं कहाँ चली गई, अभी इसको उसको भी देखना पड़ेगा कहाँ गई। उसको शॉप भेजा था कि कुछ खाना होगा तो ले ले, वो तब से गायब ही होगी, आई नहीं वापस। तो जस्ट घर पहुँची हूँ, फटाफट आई तो सांस फूल रही है, और अब पहले गाय को पानी देते हैं, इनको भी आज प्यास लगी होगी, इनके टाइम से थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है, फटाफट से पानी देते हैं इनको पहले।
यहाँ पे ना मैंने गाय को पानी दे दिया था, लेकिन जो हमारी दोनों ही गाय है ना ये काफ़ी ज़्यादा पानी पीती है। अब इनकी नस्ल ही ऐसी है, जो सोनी की माँ थी वो भी काफ़ी पानी पीती थी, और जो लिली है आजकल इसके सींग बड़े हो रहे हैं तो इसको इसमें खारिश होती रहती है, तो ये मुझे बोलती रहती है कि खारिश करो, तो इस करके इसको मज़ा आता है। तो मेरे बड़े मम्मी भी अभी घर पहुँच रहे हैं, बड़े मम्मी गए थे अपने मायके, मैं पहुँच रही हूँ खेत से, बड़ी मम्मी पहुँच रहे हैं शरण से। सुबह ना हम अपनी गाय को जोड़ी देते हैं, और जोड़ी के बाद जो लकड़ियाँ बचती है जैसे ये वाली लकड़ियाँ हैं तो इनको बनाना पड़ता है। अभी इनको छोटे करेंगे और साइड वाइज जितनी भी इसमें टहनियाँ होती है उनको अलग अलग करके इनको बनाना है। तो आज मैं बना रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये है एक छोटी सी कुल्हाड़ी, इसको हमारे यहाँ पे बोलेंगे ब्राटू, इससे काटूंगी मैं ये वाली लकड़ियाँ। तो जितनी भी यहाँ पे लकड़ियाँ हैं अभी इनको बनाएंगे, और इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है पर चलो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मुझे तो ये वाला काम ज़्यादा पसंद है क्योंकि काफ़ी पीसफुल सा है, अपने लगे रहो छोटी छोटी करने। यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रहे थे कि थोड़ी और छोटी कर देने लकड़ियों को, फिर मैं उस तरह से काम करने लगी। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसमें, कम से कम आधा घंटा लग गया था, पर मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है। सबसे डिफ़िकल्ट टास्क मुझे लगता है जब एक बिंडा हो जाता है इसको बांधने का, क्योंकि जो लकड़ी होती है उसी को निकाल के, एक बड़ी सी लकड़ी को निकाल के इसको बांधना पड़ता है, और फिर काफ़ी टाइट ग्रिप बन जाता है, फिर ये अलग नहीं होती, एक गट्ठा बन जाता है। फिर दूसरा भी गट्ठा मैं बनाने लगी थी, और इस तरह से फटाफट से अपना काम निपटा के इसमें काफ़ी मज़ा सा आता है, क्योंकि इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करनी पड़ती है, बस अपने छोटी छोटी लकड़ियों को, हरी लकड़ियाँ जल्दी कट भी जाती है, और डिफ़िकल्ट काम तो यही होता है जब ये बांधनी पड़ती है। पर अब मुझे ये भी आ जाता है कि इनको कैसे बांधते हैं, और फिर इस तरह से मैंने दो गट्ठे तैयार कर दिए थे, और तीसरा गट्ठा फिर आधा ही हो गया था वो कम्प्लीट। जितनी भी लकड़ियाँ थी ना यहाँ पर वो काट के रख दिए हैं, बड़ी मम्मी उनको बांध रहे हैं। एक मैंने बांध दिया था पर तीसरा पूरा नहीं बन रहा था, तो बड़ी मम्मी ने इसी में ऐड करके इसको थोड़ा एक को मोटा सा बना दिया, और अब इनको ले जाएंगे इनकी जगह। तो अब इनको ले जाएंगे जहाँ पे अच्छी धूप आती होगी ताकि ये सूख जाएं। और मैंने ना अभी बड़ी मम्मी को कैमरा मैन बनाया है, अब पता नहीं कैसी वीडियो ले रहे हैं। तो ये सारे हमने यहाँ पे रखे हैं, तो हमने सारी लकड़ियाँ यहाँ पे लाइन में लगा दी है, और यहाँ पे धूप अच्छी आ जाती है तो यहाँ पे सूख भी जाएंगी और जगह भी है रखने के लिए। तो अभी तक हमने इतनी सी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई है, पर पूरी सर्दी में भी बहुत सारी लकड़ियाँ आती हैं ये वाली, और फिर ये सारी जगह भर जाएगी लकड़ियों से, क्योंकि अभी सर्दियों में तो बहुत पेड़ होते हैं भेओल के, और जिससे कि हम जोड़ी लेके आते ही हैं। हर सुबह का रूटीन होता है कि एक मेंबर खेत जाता है, मोस्टली मेरे पापा ही जाते हैं सुबह, वो लेके आते हैं एक जोड़ी, और फिर गाय को वो देते हैं हरी पत्तियाँ, बाकी तो भी सब कुछ सूख ही जाता है, लेकिन भेओल के पत्ते ना काफ़ी हरे भरे होते हैं, तो इनकी जोड़ी हो जाती है, हमारे लिए लकड़ियाँ हो जाती हैं। फिर आज हमाम भी जलाया है, और वो लकड़ियाँ फिर इसमें जलाई जाती है सूखने के बाद। और अभी हम शाम के लिए बनाएंगे आलू मटर, तो मटर छील लेते हैं अभी ही, और क्योंकि थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला है, और आजकल ना सर्दियों में सारे जल्दी डिनर कर लेते हैं, तो अगर मैं अभी मटर छीलूंगी तो हमारा डिनर बन जाएगा 6:30 बजे तक, 6:30 बजे हम डिनर कर लेते हैं आजकल, अंधेरा जल्दी हो जाता है तो रात ही समझ के खाना भी खा लेते हैं। और फिर मैंने और बड़ी मम्मी ने मिलके यहाँ पे सारे मटर छील दिए थे। अभी शाम का टाइम आ गया है और इनके हो गया है अंदर जाने का टाइम, क्योंकि सनसेट भी हो गया है, अब ठंड होती है बाहर भी तो धूप भी इनको लग गई है मस्त। तो कई जगह क्या होता है गाय हमेशा अंदर ही अंदर रखते हैं और धूप भी नहीं लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो गांव में सारे ही जो है ना गाय को पहले सुबह बाहर लाएंगे धूप के लिए, धूप लगाएंगे अच्छे से, इनको भी विटामिन डी मिलनी चाहिए, और तब जाके पूरे दिन धूप में रहने के बाद शाम को फिर अंदर जाएंगे। और साथ में ही ना आज प्रीति के घर पे अभी कोई भी नहीं है, वो खेत गए हैं, तो आज प्रीति की गाय को भी ना मम्मी ही अंदर करेंगे। तो अच्छे पड़ोसी होने का ये भी फायदा रहता है कि जब जरूरत हो तो हेल्प हो जाती है। ये चली प्रीति की गाय अंदर और बंद हो गया ये भी, और अपनी गाय हम अब बंद करेंगे। चल भाई लिली, पाला खान देख लागे, कपड़े नहीं खाते हो गंदी, ये तो धोए हुए कपड़े अभी के, चल अंदर चल। आई 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 लिली, फिर पिटाई भी होती है पता है इसको, पिटाई भी होती है। चल चलो चलो अंदर, चलो चल सोनी अंदर, ओए। जैसे एक छोटा बच्चा शरारते करता है ना, हमारी लिली भी ऐसी ही कुछ है, ये भी शरारती बहुत है, सुनती ही नहीं है।
चलिए। और अभी ना मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, अब हम बनाएंगे खाना, अपना डिनर बनाएंगे, चूल्हे पे ही बनाएंगे मस्त। और देखते अभी, मम्मी आप बनाएंगे? नहीं, मना कर दिया, मुझे बनाना पड़ेगा तो मैं बनाती हूँ। तो आलू मटर की सब्जी बनाएंगे, तो सबसे पहले ऐड कर दिया है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी कुकिंग स्किल। पर मेरे गाल इतने लाल लाल क्यों आए? मैं ना नहा के आई हूँ अभी, सीधे मैं आग के पास बैठी तो ये लाल लाल हो गए। तो जिनको लगता है मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे खाना पकाना आता है। कौन बोलते हैं? कई बार मेरे को कमेंट लिखते हैं कि खुद भी बनाया करो और ही बनाते रहते हो। छोटी हाँ, मैं प्लस वन से बाहर रही हूँ यार, खाना बनाना मुझे आ जाता है। यहाँ है प्याज, यहाँ है टमाटर, यहाँ है मटर, यहाँ है आलू। तो हमारी बन रही है आलू मटर की सब्जी। तो ये कुसुम दीदी की बेटी है आन्या, और ये लेके आई है। तो आज मंदिर के पास भोग बन रहा था, तो ये लेके आई है वहाँ से भोग। सब खाएंगे, थोड़ा थोड़ा बांटते बेटा सबको। इधर नानी को बांट, और मासी को भी दे, थैंक यू, नानू को भी दे पार्सल। ये भोग है तो मंदिर के पास बनाया होगा। तो जय हो। तो एक चीज होती है, जब भी मंदिर के पास भोग बनता है ना, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। जो देवता जी के पास भोग बनता है ना, टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। जैसे आज भी मंदिर के पास भोग बना होगा, देवता जी तो अभी नहीं आए हैं, वो कुछ दिनों बाद आएंगे, तो भोग मुझे बहुत टेस्टी लगा। मसाला डाल रहे बेसिक, मेथी, जीरा, धनिया मुझे अच्छा लगता है। अब डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक तो नहीं है पर जैसा भी कटा हुआ है, कटा हुआ प्याज। तो हमारा खाना बन रहा है चूल्हे पे। जो खाना चूल्हे पे पकता है उसका स्वाद अलग होता है, स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट। अब हम पकाएंगे प्याज थोड़ी देर, इसको भुनने देंगे अच्छे से, थोड़ी ब्राउन होने देंगे। तो अभी हमने ऐड कर दिया हल्दी भी, स्वाद अनुसार, जैसे शेफ बोलते हैं, हल्दी नमक आप डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। तो अभी बन रही है हमारी चपातियाँ, और यहाँ पे चूल्हे पे ही बनेगी। सब्जी हमारी बन गई थी और अब चपातियों की बारी है, तो मैं बना रही हूँ चपातियाँ। यहाँ पे ऊपर चपातियाँ बन रही हैं और यहाँ पे चपातियाँ सुखाई जा रही हैं। तो हमारा डिनर अब ऑलमोस्ट बन ही चुका है। तो ये हमारा आज का डिनर है, आलू मटर, चावल, चपाती और अचार। तो मिलते हैं डिनर के बाद। तो अभी ना हम लोग डिनर करके आ गए हैं, और मेरे साथ है आन्या। ठंड लग रही है? नहीं लग रही है। तो ये आज यहीं पे थी, और आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि आपके बड़े मम्मी और मम्मी कथा में क्यों नहीं गए थे। तो मेरे बड़े मम्मी मायके गए थे, और घर पे कोई नहीं होता है तो एक लेडीज का होना जरूरी है, काय देखनी पड़ती है। तो मम्मी जो है घर पे ही थे, और थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए हैं, खास तौर से कुसुम दीदी के लिए। तो वैसे हमारा प्लान था कि हम सारे सिस्टर्स जा रहे थे, लेकिन ड्यू टू सम reasons सबसे बड़े दीदी और सेकेंड नंबर वाले दीदी नहीं आए थे, बाकी सारे थे, निशा दीदी थे, कल्पना दीदी भी थे। नेक्स्ट टाइम कभी सारे इकट्ठे हुए ना, तो मैं सबसे मिलवाऊंगी आपको, मेरे सारे जीजा, जितने भी जीजा हैं उनसे और सारी दीदियों से। और थैंक यू सो मच आपकी विशेष के लिए, आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए हैं फैमिली के लिए। और फिलहाल के लिए आने कुछ बोलना, क्या बोलूं? कुछ भी बोल, क्या बोल मधुमासी के YouTube चैनल में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने इसको ये बोलने को नहीं बोला, इसने खुद ही बोला, मुझे लगा कुछ और बोलेगी। तो क्या बोल सकती हूँ? कुछ और भी बोलना होगा, कुछ भी। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसको बहुत नींद आ रही है, इसको सुबह जल्दी उठना भी है, चल सो जा फिर। तो ये आज का ब्लॉग करती हूँ यही एंड। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। और अगर कोई क्वेश्चन हो, अब मैं कॉमेंट्स रीड करूंगी, तो आप क्वेश्चन कर दो कॉमेंट बिलो, और फिर मैं देखूंगी क्या क्वेश्चन है आपके, तो उनके आंसर जरूर करूंगी। और हाँ, कुछ एक क्वेश्चन किसी ने पूछे होते हैं, तो कई बार सब्सक्राइबर ही उसका आंसर कर देते हैं, तो जो भी आंसर है वो सही होते हैं, आप उनकी बातों पर भी यकीन कर सकते हो। तो बाय बाय।